गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू। गाइस, तो इस हेयर स्ट्रेटनर का मैं रिव्यू भी करूंगी और डेमो भी दिखाऊंगी आप सबको। तो मैं फुल हेयर स्ट्रेट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको डेमो दिखाऊंगी फुल हेयर स्ट्रेट कैसे करते हैं अपने बालों को। उस पे अलग वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। और मैं इससे पहले एक वीडियो डाली थी दुर्गा पूजा पंडाल का गाइस, तो वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। मैं इसलिए डिलीट की क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ गया था और मैं कुछ भी किसी और का यूज़ नहीं की थी गाइस, फिर भी कॉपीराइट क्यों आया मुझे नहीं पता। तो इसके वजह से थोड़ा सा मैं डिलीट कर दी वीडियो। सो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक करें ताकि कोई वीडियो मिस ना होगा। इस तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कुछ इस टाइप का दिखता है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी इस पे लिखा हुआ फिलिप्स स्ट्रेटनर इसेंटियल, और ये स्ट्रेटनर है पर्पल कलर का है और सेल्फी स्ट्रेटनर इंस्टेंटली रेडी विथ एक्स्ट्रा कंट्रोल। और इस साइड में लिखा हुआ है टेम्परेचर कंट्रोलर है और कैरीमाइन कोटेड है, इसका जो प्लेट है वो कैरीमाइन कोटेड है एंड रैपिड हीट अप 60 सेकेंड लगता है इसको हीट होने में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको हीट होने में गाइस। और इस पर आलिया भट्ट का पिक भी लगा हुआ है और इसकी MRP है 7,150 रुपीज़, यानी कि 1,750। और सेम पीछे भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है और पानी में इसको नहीं डालना है, पानी से दूर रखना है। और फिर उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका स्ट्रेटनर ये है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत सुंदर कलर है गाइस। और यहाँ से ऑन लॉक खुलता है एंड बंद होता है। और इसका जो वायर है आपको मिलता है 1.6 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है थोड़ा सा, और ये चारों तरफ से घूम जाता है एकदम पूरा सर्कल में घूमता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वायर बहुत मजबूत है गाइस और ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस टाइप से खुलता है, वहाँ पे लॉक करने का सिस्टम है, लॉक करना है और अनलॉक करने का सिस्टम है। जो इसका प्लेट है कैरीमाइन कोटेड प्लेट है गाइस, और अच्छा खासा बड़ा भी है जो प्लेट है इसका, जहाँ पे आपका हेयर स्ट्रेट होगा। यहाँ पे हीट होने का दिखाया हुआ है, यहाँ पे ऑन कीजिएगा तो हीट होना शुरू हो जाएगा और ऑफ़ कर दीजिएगा तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे 210 डिग्री एंड 190 डिग्री पे हीट होगा गाइस, और उधर से ऑन ऑफ का सिस्टम है। वायर भी बहुत मजबूत है, यहाँ पे प्लग दिया हुआ है गाइस। तो इसको चलिए अब अपने हेयर में हेयर को स्ट्रेट करके देखते हैं कि कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं अपने बालों में कोम कर ले रही हूँ, और कोम करने के लिए आप अच्छे से कंघी का यूज़ करें। बालों में कोम करना बहुत ज़रूरी है हेयर स्ट्रेट करने से पहले, नहीं तो टेंगल्स रह जाएंगे और अच्छी तरीके से हेयर स्ट्रेट नहीं होगा आपका। और फिर मैं जूड़ा बना लूँगी, तो मैं थोड़ा सा सिर्फ बालों को दिखाऊँगी आपको कि कैसे हेयर स्ट्रेट करना है अपने बालों को। तो सबसे पहले मैं एक बन बना लूँगी थोड़ा सा, तो इतना सामने से थोड़े से बाल को मैंने निकाल लिया है और बाकी के मैंने बन बना लिया है। तो मैं प्लग को लगा दी हूँ और स्विच ऑन कर दे रही हूँ, और इसके बाद यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक होगा। तो यहाँ से मैं अनलॉक कर ले रही हूँ, इसे खोल ले रही हूँ, और यहाँ पे लाइट जलेगा जब आपका स्ट्रेटनर हीट होगा, तो येल्लो सा लाइट जलेगा। यहाँ पे 2, 1 एंड 2 दिया है, तो 1 पे 190 डिग्री पे हीट होगा एंड 2 पे 210 डिग्री पे हीट होगा। तो मैं अपने इसकी एक अच्छी बात ये है कि जो इसका ऊपर वाला प्लेट है वो गर्म नहीं होता है, आप उसे पकड़ सकते, हीट नहीं होता है। जो अंदर वाला प्लेट है वही सिर्फ हीट होता है, तो आप वहाँ पे पकड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप बाय कर ले। तो मैं इतने से बालों पर लेके 2 से 3 बार इसे इस पर स्ट्रेटनर चलाऊँगी, तो ये बहुत अच्छे से मेरे बालों को स्ट्रेट कर दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और नीचे की तरफ भी स्ट्रेट कर ले। तो मेरे बाल कर्ली से रफ़ से हैं, तो मेरे लिए स्ट्रेटनर काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट की कितना अच्छा है। तो मैंने स्विच को ऑफ़ कर दिया है और अब मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से एलोवेरा जेल अप्लाई कर ली थी बट आपके सामने मैं दिखा रही हूँ एलोवेरा जेल को अप्लाई करके मैं अपने थोड़े से बाल को, और फिर मैंने स्ट्रेटनर को स्विच को ऑन कर दिया और फिर से मैं अपने बालों को स्ट्रेट करूँगी। सो ये स्ट्रेट जो बाल को ऐसे आप स्ट्रेट करेंगे तो आपका स्ट्रेट बाल लॉन्ग लास्टिंग तक रहेगा। तो सेपरेट वीडियो आएगा कि हाउ टू स्ट्रेट योर हेयर एट होम, तो इसीलिए उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें। फिर मैं पीछे से थोड़े से बालों को लेके ऐसे ही स्ट्रेट करूँगी,
और 2 से 3 बार करने पे आपका बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो जाएगा। 2 से 3 बार चलाना है आपको बस, उससे ज़्यादा नहीं। और आप देख सकते हैं इसे मैं फिर कोम कर ली हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छी तरीके से मेरे बाल स्ट्रेट हुए हैं। सो आप इसे बाय कर सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी लेने के लिए। सो ये था आज का वीडियो गाइस, आई होप कि आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।